हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मिस्टर टेक्निकल कोजी 555। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप 2 मिनट में अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। आइए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना है। तो हम क्लिक करते हैं यूट्यूब चैनल पर। आपको फिर एक साइड में अपनी जी मेल अकाउंट लिखा होगा, वहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और सेटिंग खोल लेनी है अपने यूट्यूब की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है यूट्यूब योर चैनल। तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा होगा नीचे क्रिएट चैनल। तो आपको वहाँ पे सिंपली से क्लिक करना है और उसे अगला पेज ओपन कर लेना है। और अगला पेज ओपन होने के बाद आपका अपना वो पेज खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है एडिट चैनल, मैनेज वीडियो, अपलोड वीडियो। तो आपको एडिट चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका लिखा होगा यहाँ पे अपना नाम, चैनल का नाम, जो कुछ आप अपना रखना चाहते हैं। जैसे मैंने टाइप कर लिया है टेक्निकल गुरुजी, तो आप वहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मतलब जो आप वीडियो बनाएं, जिसके बारे में बनाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया है सब्सक्राइब प्लीज। यहाँ पे अब मैं इसको सिर्फ यहाँ से आप चाहे फोटो भी डाल सकते हैं। आपको दो कैमरे की ऑप्शन दिख रहे होंगे, वहाँ से आप एक अपना बैकग्राउंड का इमेज और प्रोफाइल इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको टेक फोटो और चूज फोटो, आप गैलरी से अपना फोटो निकाल के डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, आपका केंद्र चैनल क्रिएट हो चुका है। अब आपको सीधे अपना एक वीडियो बनाना है, अपना खुद का कंटेंट तैयार करना है और इसमें अपलोड करना है। आप बड़ी रेली यूज़ कीजिए। इसी तरह की नई जानकारी लेने के लिए आप अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। और भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए हो यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब में व्यूअर कैसे आएंगे और भी बहुत सी बातें हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।